व्हाट्स पॉपिंग गाइस, डेमन स्लेयर स्वॉर्ड्स मिथार का फाइनल एपिसोड आ चुका है और मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि दिस इज द बेस्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन। यस एग्जैक्टली। इसके रूमर आ रहे थे कि जो इसका फाइनल एपिसोड है वो 70 मिनट लॉन्ग होगा, पर गाइस हमें इतना लंबा तो नहीं मिला, पर गाइस 50 मिनट का एपिसोड था जिसमें 45 मिनट तो चलो हमें कुछ दिखाया ही है। अभी तक डेमन स्लेयर में जितने भी डेमन दिखाया ना, मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग ये वाला डेमन लगा है। भाई रुकता ही नहीं है, ये भागता जाता है। इस एपिसोड में तो इसने हद ही कर दिया भाई, भाग ही रहा है ये। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद जब तांजिरो इसका गला काटता है तो भाई पता लगता है कि मेन बॉडी ये भी नहीं है, ये शरीर के किसी और पार्ट में बैठा है भाई, इसने तंग करके रखा है। इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट था यार, जब सनराइज होने वाला होता है और तांजिरो को चूज करना होता है कि वो डीमन को मार के विलेजर को बचाई या फिर नेजुको को सनलाइट से। ये वाला पार्ट इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से दिखाया है ना कि कहीं जगह पे आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। मैं तो बस यही सोच रहा था कि विलेजर को मरने दो भाई, नेजुको को बचा लो। Exactly. मैंने इसकी मांगा नहीं पढ़ रखी है तो यार मुझे बीच में लग रहा था कि कहीं ये नेजुको को मार ना दे। जिस गोल को लेके तांजिरो ने एनिमे की शुरुआत की थी, नेजुको को ठीक करके रहेगा वो तो भाई यहीं पे खत्म हो जाएगा। जब नेजुको तांजिरो को लात मारती है और उसे विलेजर को बचाने के लिए कहती है और नेजुको और तांजिरो की जितनी भी बैक स्टोरी है वो चलना स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे तो लगा भाई कहानी खत्म होने वाली है नेजुको की। तुम्हें तो पता ही है डेमन स्लेयर में फ्लैशबैक आया तो भाई या तो तुम्हें पावर बूस्ट मिलेगा या तो तुम खत्म हो जाओगे। बात तो सही है। जिस तरह से इन्होंने ये वाला पार्ट सेटअप करके रखा था, मुझे लगा यार नेजुको खत्म होने वाली है। फाइनली म्यूचिरो तांजिरो को जो उसकी न्यू वाली स्वॉर्ड है वो दे देता है, वो तांजिरो इसे स्केयर्ड एस बिच का फाइनली गला काट ही देता है। ये इस एपिसोड का सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग मोमेंट था। इसके बाद तांजिरो भागता हुआ जाता है नेजुको के पास और फाइनली भाई इस एपिसोड का सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग पॉइंट, नेजुको ने कॉन्करर कर लिया है सन को और अब वो गूंगी नहीं रही, अब वो बात भी कर सकती है। जिस तरह से नेजुको को बात करते हुए दिखाया वो भाई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। और भाई इनकी जो हैप्पी लाइफ है मुझे नहीं लगता है ये ज्यादा दिनों के लिए चलने वाली है, क्योंकि भाई अपने माइकल जैक्सन भाई को पता लग गया है कि किसी ने कॉन्करर कर लिया है सन को और भाई वो जिस घर में रहता था उसने वहाँ पे सभी को मार दिया है, क्योंकि गाइस वो इतने टाइम से जो ब्लू स्पाइडर लिली की तलाश में था वो अब खत्म हो चुकी है। अगर वो नेजुको को मार के उसे रिवाइव कर लेगा तो भाई वो सन को कॉन्करर कर लेगा। इसके बाद हमें माइकल जैक्सन भाई की भी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे वो डीमन बना, और भाई मुझे लगा था कि ये अपने डीमन बनने से पहले अच्छा इंसान होगा, पर मुझे नहीं लगता ये अच्छा इंसान था, ये शुरुआत से ही डीमन ही था। और भाई इसका एक ही गोल है कि ये सन को कॉन्करर करके डे लाइट में भी घूमे, क्योंकि दिन में खाना खाने का अलग ही मजा होता है। इसके अलावा भी यार एपिसोड में बहुत सारी चीजें थी जिसके बारे में यार बात नहीं करेंगे। और लास्ट में तांजिरो इस स्मॉर्ड्समिथ विलेज को छोड़ के जा ही रहा होता है और सभी लोग करते हैं उसे चीयर, थैंक यू, बाय, कभी नहीं आना। और फाइनली गाइस डेमन स्लेयर की एक और आर्क खत्म हो चुकी है। मुझे नहीं पता इसकी और कितनी आर्क बची हैं, पर मुझे नहीं लगता इसकी 2-3 से ज्यादा आर्क बची होंगी, तो स्टोरी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो यार आप भी बताना आपको ये वाली आर्क कैसी लगी। अगर आपको ये वाला रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आपको मिलता हूं किसी और वीडियो के साथ, बाय। गाइस दिस एनिमे इज ट्रोलिंग अस। सबसे पहले तो इस एनिमे ने हमें हिला दिया इस CGI मॉन्स्टर से, और इसके बाद इसने रियल लाइफ फुटेज के ऊपर फिल्टर लगाया भाई। अब इसमें एंट्री हो चुकी है CGI डायनासोर्स की। ऐसी बात नहीं है कि इस एनिमे के पास बजट नहीं है भाई, ये जानबूझ के